आर्मी, जैसे हमारी इंडियन आर्मी, मैं आपको बता दूं, बाकी एजेंसीज का मुझे पता नहीं, इंडियन आर्मी एक है जो बेचारी यहाँ जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, वो चाहे सैलाब हो, आपने देखे होंगे फोटोज वगैरह में कि बिल्कुल सैलाब कितना इन्होंने यहाँ के लोगों की मदद की, लोकल्स की, और कोई एजेंसी बिल्कुल सामने नहीं आया और कोई पॉलिटिशियन सामने नहीं आया इनको हेल्प करने के, ठीक है, ये इंडियन आर्मी करेक्ट सामने, उसी तरह बेचारी ये इंडियन आर्मी अब चली गई 2 दिन से, लोगों को 2 या 4 दिन से लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही थी कुछ हिस्सों में, बेचारी इंडियन आर्मी वहां पे पावर ग्रिड स्टेशन में पहुंच गई पावर सप्लाई रिस्टोर करने के लिए। अब वहां भी प्रोपागेंडा करने वालों ने उनकी फोटोज उठा के बोला देखो अब ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी का भी कब्जा कर रहे, यू इमेजिन प्रोपागेंडा की हद देखो, मतलब जो लोग कश्मीरियों का पावर सप्लाई कट करते हैं उनको सफर करने के लिए छोड़ देते हैं, उनका साथ दिया जा रहा है जस्ट ताकि इंडिया के खिलाफ कुछ बोला जाए, मगर जो लोग कश्मीरियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से उनके खिलाफ बोला जाए, तो ये हद होती है प्रोपागेंडा की। अच्छा, यह ना एक मतलब इसी से रिलेटेड एक सवाल, मतलब ये तो पावर डिवीजन का स्ट्राइक था, लेकिन ऐसे प्रोपेगेंडा, क्योंकि हम अक्सर इंडियन दोस्तों से सुनते हैं कि ये बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है, वो बेशक कश्मीर के हवाले से हो या फिर मतलब बाकी इंडियन, कितना ये वाली बात कितने हद तक सही है कि मतलब ज्यादा प्रोपेगेंडा होता है और जेन्युइन चीजें कम होती है, क्योंकि आप वहां पे अनग्राउंड होती है और आप देख रही होती है करीब से, तो कितना आपको लगता है कि मतलब कितनी चीजें प्रोपेगेट की जाती है और कितनी चीजें जेन्युइन होती है, जो मेरे ख्याल में मतलब लोग उसके हवाले से फिर सोशल मीडिया या किसी और प्लेटफॉर्म से बात करते हैं। द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे प्रोपागेंडा ज्यादा क्यों लगता है, क्योंकि जो प्रोपागेंडा नहीं करते वो बात भी नहीं करते सामने आके, ठीक है ना, उनको लगता है कि वो टारगेट हो जाएंगे, उनको लग, देखो जो जो सिंपल लोग हैं, बाल बच्चे वाले, नौकरी वाले, वो क्यों आके बात करेंगे सोशल मीडिया पे या अपना कोई दुश्मन बनाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि गवर्नमेंट या पुलिस या जो भी सिक्योरिटी एजेंसी है वो हर जगह तो नहीं हो सकती प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल आज कोई बंदा आके बोलेगा हम बड़े खुश हैं 370 के हटने के बाद, अब देखो कितने दुश्मन बनाता है, एक तो ISI उसकी दुश्मन बन जाती है, दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज, जो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जो करप्ट पार्टीज, जो चाहती हैं कि 370 वापस आए ताकि हम फिर चोरियां करने लगे, उनके वर्कर्स उनके दुश्मन बन जाएंगे, फिर वो कहाँ जाके बेचारे बोलेंगे कि हम 370 के बाद खुश हैं, वो बस एक ही जगह होती है ड्रॉइंग रूम में अपने बैठ के बोलते हैं अरे अमित शाह ने बहुत अच्छा काम किया जो उसने 370 हटा दिया, मगर ये सामने आके नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो हमें एज कश्मीरीज पता है कि ये हमारी कश्मीरी फैमिली अंदर अंदर बैठ के क्या बोलती है, लेकिन वो सामने आके नहीं बोलते इसी रीजन की वजह से, क्योंकि उनको दुश्मन नहीं बढ़ाने, उनको अपनी लाइफ मुश्किल में नहीं डालनी है, और वो भी एक तरह से सही है, यहाँ पे जितना जो बात करता है ना वो उतने टारगेट पे आ जाता है, दैट इज अ फैक्ट। एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया आई नो एंड आई एम अवेयर कि मेरी गवर्नमेंट कितना भी मुझे चाहे हर जगह नहीं आ सकती मुझे बचाने के लिए, मैं कहीं कल मैं सलोन में हो सकती हूँ वहां पे मुझ पे अटैक हो सकता है, मैं आइसक्रीम खा रही हूँ कि वहां पे मुझे अटैक हो सकता है, अब क्या गवर्नमेंट हर जगह आएगी मुझे बचाने के लिए, सो दैट इज द रीजन। ठीक है देयर आर स्टिल पीपल लाइक मी हु से कि यू नो समबडी हैज टू डू द जॉब, तो मैं आती हूँ सामने खुल के बोलने के लिए, क्योंकि मेरा ना कोई पोलिटिकल एजेंडा है, एज यू नो आई एम नॉट इन एनी पोलिटिकल पार्टी, ना कोई और एजेंडा है, ना मुझे पैसों से मतलब है, जो मैं बोलती हूँ वो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे सच दुनिया के सामने लाना है, 2 साल से मैं यही काम कर रही हूँ, अगर आपने मेरी वीडियोस देखे, मैं उस टाइम पे श्रीनगर की वीडियोस पोस्ट करती थी जब लोगों को लगता था कि श्रीनगर में हर कोई जेल में बंद है, मैंने तब यहाँ से वीडियोस दिखाए पूरी दुनिया को कि मुझे तो यहाँ दूर दूर तक ना कोई CRPF वाला दिख रहा है ना कोई आर्मी वाला दिख रहा है, लोग तो अपनी रोज की जिंदगी, देखो आप खुद देखो, लोग अपनी रोज की जिंदगी नॉर्मली जी रहे हैं, बच्चे पार्क्स में खेल रहे हैं, मगर ये मीडिया चैनल्स में क्या बोला जाता था 2 साल पहले, बच्चों को उठा के डिटेंशन में डाल दिया, अरे ये सब झूठ, जो इनके झूठ है ना ये खोलना जरूरी है, लेकिन ये हर कोई नहीं करना चाहता ये काम। एब्सोल्युटली, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ऐसा है कि जो आप बात कर रही हैं कि जो टारगेट पे आता है तो बेचारा जो नौकरी करने वाला आदमी है वो बंदूक तो नहीं उठा सकता और ना अपने साथ लेके फिर सकता है, ये बड़ा एक मुश्किल काम है। हमारे यहाँ भी जो कारोबारी लोग होते हैं वो कहते हैं बत्ता हम इसीलिए देते हैं कि हम भाई हम ये दुश्मनियां नहीं पाल सकते और ना हमारा काम है, हमारा काम है कारोबार करना, तो जो लोग ये कर रहे हैं वो फिर ये सारी चीजें नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल है, YC कॉन्फ्रेंस हुई अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में, याना यकीनन आपने देखा होगा टेलीविजन न्यूज में, अभी मार्च में एक और कश्मीर के हवाले से होनी है, पता नहीं होती है या नहीं होती, आई डोंट नो अबाउट इट एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ये वाली हुई और ये एजेंडा इसका अफगानिस्तान था, लेकिन इमरान खान साहब ने वहां पर कश्मीर का जिक्र किया
और मतलब कोशिश की कि लोगों को हम मतलब बता सके, जो क्योंकि एक बहुत काफी तादाद में लोग आए हुए थे, मतलब नॉन ओआईसी मेंबर्स भी आए हुए थे जापान से, बाकी दुनिया के कुछ ममालिक से, तो वो बताना चाह रहे थे कि कश्मीर का इशू भी किसी तरीके से इसके साथ मतलब जुड़ जाए और हाईलाइट हो जाए। क्या नजर आ रहा है कि मतलब ऐसा कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है कि जो नेक्स्ट ओआईसी की कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें अगर होती है तो, या फिर इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी आप कह रहे कि कश्मीर की कोई कश्मीर बात के हो? हवाले से, कश्मीर के हवाले से मैं कह रहा हूं। आप लोगों को बताइए कि उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात क्यों नहीं की ओआईसी में खुल के? नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगा ना, मैं तो क्योंकि मैं इसे होस्ट कर रहा हूं को किसने दी थी बताइए? द ग्रेट फिर। सऊदी अरेबिया, जिसने पाकिस्तान को लिटरली मुट्ठी में लेके रखा है। ये ना, ये इतने स्मार्ट बंदे हैं ना, आई टेल यू आई लव द सऊदी अरेबियंस, आई लव यू सऊदी अरेबियंस इफ यू आर वॉचिंग दिस शो। मतलब क्या लोग हैं, तो तबलीग जमात को बैन कर दिया इन्होंने। अच्छा, फिर वो पाकिस्तान को कहते हैं ओआईसी में हम आएंगे लेकिन कश्मीर पे कोई बात नहीं होनी है, वरना हम $3 बिलियन वापस ले लेंगे। मतलब सीरियसली, हैट्स ऑफ टू सऊदी अरेबिया, हैट्स ऑफ। लेकिन दिस उन्होंने दिस तो वाईसी ने तो कहा है कि हम वाईसी के जो सेक्रेटरी से पहले आए थे तो कह रहे थे कि हम लोग मार्च तक अपनी एक रिपोर्ट कंपाइल कर रहे हैं, शायद पिछली वीडियो में भी मेरी और आपकी बात हुई थी, तो उसके अंदर फिर हम देखेंगे कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। वो तो मैंने तो इतना ही सुना है कि पाकिस्तान ने इस बार बात नहीं की कश्मीर में, बहुत छुप इमरान खान ने अपनी स्पीच में, अपनी स्पीच में छुप नाम लिया था, अपनी स्पीच नहीं, एक अगर उन्होंने कश्मीर का बोला नाम दिया होगा तो, था, कश्मीर के अगर ऊपर भी उन्होंने किसी ने। जी सुनिए, अगर उन्होंने बोला है तो फिर उनको रेडी हो जाना चाहिए $3 बिलियन वापस करने के लिए। मैं और क्या तो बोलूं, नहीं है, वो तो नहीं है याना, वो तो है ही नहीं, मतलब क्योंकि डॉलर 180 से उनको प्रिपेयर रहना, अगली बार $3 बिलियन नहीं मिलेंगे सऊदी अरब। अपनी फॉरेन पॉलिसी, आई डोंट अंडरस्टैंड। बाइडन आप लोगों को बुलाता है, आइए हम डिस्कस करते हैं, वहां नहीं जाओगे भाई, चाइना की इतनी चमचागिरी करते हो अभी तो, हर हाउ कैन यू गेट अवे नहीं विद जस्ट पैसे लिए दिस। भैया ना, ऐसे थोड़े ही पैसे लेते हम लोग अच्छा नहीं लेते? लेते हैं, क्यों नहीं लेते। इमरान खान साहब ने तो वहां पे उस स्पीच के अंदर कहा कि भाई हमने, बल्कि एक और जगह पे वो स्पीच कर रहे थे कल परसों के, हमने जो अफगान जिहाद का नाम दिया था, कहते जिहाद तो नहीं, हमने डॉलरों के लिए, इमरान खान साहब की ये मतलब स्टेटमेंट है जो सच्चा स्टेटमेंट उस। एक छोड़िए इमरान खान को, एक सेकंड के लिए एक बात बताइए, अफगानिस्तान हाँ पे आप लोग ओआईसी रखते हैं, इतना क्यों प्यार है अफगानिस्तान? वहां तो दुरंत लाइन पे तो चिल्ला रहे तालिबान कि हम तुमसे हाँ लड़ेंगे पहले, जो यहूदियों से बाद में लड़, पहले तो हम तुम पाकिस्तानियों से लड़ेंगे। आप बताइए इतना प्यार क्यों है आप लोगों का तालिबान से? हमने नहीं, तालिबान हमने से याना अभी है कि हमें पाकिस्तानियों से प्यार नहीं। ये सवाल सारे लोग पूछ रहे हैं, और बल्कि एक बात आजकल एक मतलब एक जोक भी बना हुआ है कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे तो वो कह रहे थे कि मतलब पत्नी हुकूमत में आके तो मैं क्या पाकिस्तान को बना दूंगा, सेम लाइक दैट जो है तालिबान थे, उनको पहले पहाड़ों पे थे, बंदूकें उठा के लड़ते थे, लेकिन जब अब हुकूमत संभली है तो कल बहुत बड़ा मुजाहरा करवाया उन्होंने, एक मतलब लोगों को इकट्ठा किया, प्रोटेस्ट करवाया कि दुनिया हमारी इमदाद करे। पहले कहते थे कि कुफार को हमने बाहर निकालना है, और अब उनके सामने कहते कि भाई हमें आप $2 अरब दे दो। मैं खुद सरप्राइज हूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि लाइन पे उसको उस तरह से, जिस तरह से वो तालिबान सोल्जर पाकिस्तानियों को जैसे वो दे रहा था ना, क्या बोलते, व्हाट इज दैट वर्ड कॉल्ड, ही वाज गिविंग देम अ वार्निंग, फिर से ये किया तो देखना जो हालत तुम्हारी करेंगे। मैं तो फैन बन गई तालिबान के आफ्टर सीइंग दैट। मतलब लिटरली आई डोंट अंडरस्टैंड, अब मुझे फिक्र हो रही है आप लोगों की, वहां से भी आपने दुश्मन बना रखे, यहां भी दुश्मन बना रखे। व्हाई डोंट यू गाइस जस्ट गिव अप दिस ये प्रोपेगेंडा? यू आर वेरी राइट याना, बिल्कुल आपकी ये बात।